हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ केबल्स की। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा था कि केबल्स को जो भी वायर्स एंड केबल यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में, वायरिंग में, उनको हमने चार कैटेगरीज में डिवाइड किया था। ठीक है, उसमें आपका कंडक्टर बेस था, नंबर ऑफ कोर यूज था, वोल्टेज ग्रेडिंग था और टाइप ऑफ इंसुलेशन यूज था। ये चीज़ हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग टाइप ऑफ इंसुलेशन यूज में जो डिफरेंट तरह के केबल्स हमने बताया था पिछले लेक्चर में, उसके बारे में वन बाय वन करके उसको डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए, जैसे सबसे पहला जो इसमें आता है, वो सबसे पहला आता है आपका VIR केबल, वल्केनाइज इंडियन रबर इंसुलेटेड केबल्स। फर्स्ट इज वल्केनाइज्ड इंडियन रबर, इसको शॉर्ट में VIR भी बोलते हैं, इंसुलेटेड केबल्स, इंसुलेटेड केबल्स। ठीक है, अब देखिए इन VIR केबल्स में क्या होता है कि VIR केबल्स आर अवेलेबल इन 240 ऑब्लिक 415 वोल्ट एज वेल एज इन 650 एंड 1100 वोल्ट ग्रेड। यानी जो इनकी वोल्टेज रेटिंग होती है वो 240 से आप ये समझ लीजिए 415 वोल्ट तक। ये तो हो गया आपका डोमेस्टिक एंड ऑफिशियल उसके लिए, और इंडस्ट्रियल यूज के लिए हो गया आपका 650 वोल्ट से लेकर 1100 वोल्ट तक के रेटिंग में ये केबल्स आते हैं। अब इसमें होता क्या है कि VIR केबल्स कंसिस्ट ऑफ आइदर टिंड कॉपर कंडक्टर कवर्ड विद ए लेयर ऑफ VIR इंसुलेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो कंडक्टर होता है वो या तो टिंड कॉपर कंडक्टर होता है कवर्ड विद ए लेयर ऑफ VIR इंसुलेशन ओवर द रबर इंसुलेशन, कॉटन टेप शीटेड कवरिंग इज प्रोवाइडेड विद मॉइस्चर रेजिस्टेंट कंपाउंड। ठीक है, बिट्यूमेन वैक्स और सम अदर इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर मेकिंग द केबल्स मॉइस्चर प्रूफ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए हमने कहा कि ये हमने एक ये कंडक्टर है। ठीक है, दिस इज कंडक्टर, इसके ऊपर क्या रहता है, इसके ऊपर टिंड कॉपर, ये तो टिंड कॉपर कंडक्टर हो गया, कवर्ड विद ए लेयर ऑफ VIR इंसुलेशन, इसके ऊपर क्या रहता है, इसके ऊपर एक VIR इंसुलेशन से ये कवर रहता है। मतलब मान लीजिए हमने ये कवरिंग बना दिया इसका, तो इसको आप ये आपने इसके ऊपर ये VIR कवरिंग कर दी। ठीक है, अब इसमें चाहे तो आप मार्क कर सकते हैं, ये क्या है, ये तो है आपका सिंगल कोर कंडक्टर, सिंगल कोर कंडक्टर। और इसके ऊपर ये जो ग्रीन, या इसी को चाहे तो आप और ज्यादा बढ़ा दीजिए ताकि आपको एकदम क्लियर रहे कि ये इंसुलेशन कवरिंग है, ये इस तरह। इसके ऊपर ये जो है ये इंसुलेटर इंसुलेशन कवरिंग रहती है, तो ये VIR केबल इस तरह के होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ओवर द रबर इंसुलेशन कॉटन टेप शीटेड कवरिंग इज प्रोवाइडेड विद मॉइस्चर रेजिस्टेंट कंपाउंड बिटुमेन वैक्स। और अब जैसे मॉइस्चर रेजिस्टेंट जो कंपाउंड होता है, इसको आपको पता होना चाहिए, मॉइस्चर रेजिस्टेंट कंपाउंड कौन सा होता है, बिट्यूमेन वैक्स, BITU, बिट्यूमेन वैक्स। या तो ये लगा होता है मॉइस्चर को अवॉइड करने के लिए, या कुछ और इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं फॉर मेकिंग द केबल्स मॉइस्चर प्रूफ। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट टाइप का VIR केबल। अब आप आ जाइए सेकंड जो हमने लिखा था, टफ रबर शीटेड और कैप टायर शीटेड केबल्स। यानी सेकेंड जो टाइप था वो था टफ रबर शीटेड
इसको टीआरएस भी बोलते हैं या कैब टायर। कैब टायर शीटेड सीटीएस केबल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि दीज केबल्स आर अवेलेबल इन 240/440 वोल्ट एंड 650/1100 वोल्ट ग्रेड्स, यानी इनकी जो वोल्टेज रेटिंग रहती है वो भी यही रहती है 250 से लेकर 440 वोल्ट तक। ठीक है, या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो 650 से लेकर और 1100 वोल्ट तक इन रेटिंग में ये आते हैं एंड यूज्ड इन सीटीएस वायरिंग। तो ये सीटीएस या टीआरएस वायरिंग में केबल यूज किए जाते हैं। और टीआरएस केबल होते क्या है कि टीआरएस केबल इज नथिंग बट ए वीआईआर कंडक्टर विद एन आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ टफ रबर। मतलब ये जो आपने यहाँ पे वीआईआर कंडक्टर पढ़ा था, ये वीआईआर कंडक्टर होता है लेकिन जो इसकी कवरिंग होती है वो आउटर कवरिंग जो होती है वो टफ रबर की होती है। तो टफ रबर से फायदा ये होता है कि इसको एडिशनल इंसुलेशन और प्रोटेक्शन मिल जाता है वियर एंड टियर के अगेंस्ट। ठीक है, कटने का और मुड़ने का, इस तरह का जो फिजिकल हैंडलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है उनसे, जब ये टफ रहती है इसकी कवरिंग तो उससे ये कंडक्टर बचा रहता है। दीज केबल्स आर वाटर प्रूफ एंड हेंस कैन बी यूज इन वेट कंडीशन। तो ये जो टीआरएस केबल होते हैं ये वाटर प्रूफ होते हैं, तो इनको वेट कंडीशन में भी आप यूज कर सकते हैं। दीज केबल्स आर अवेलेबल एज सिंगल कोर, सर्कुलर ट्विन कोर, सर्कुलर थ्री कोर, फ्लैट थ्री कोर, ट्विन और थ्री कोर विद एन अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। ये डिफरेंट तरह के टाइप के टीआरएस केबल मौजूद अवेलेबल है। द कोर आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड कवर्ड विद ए कॉमन शीटिंग। इसमें अगर दो टू कोर या थ्री कोर या उसका अगर केबल है तो जो कोर्स है वो आपस में इंसुलेटेड रहते हैं और उन ओवरऑल उनकी जो कवरिंग रहती है वो उसके ऊपर से कॉमन रहती है। दीज केबल्स आर चीपर इन कॉस्ट एंड लाइटर इन वेट देन लेड अलॉय शीटेड केबल्स एंड हैव द अलॉय शीटेड केबल्स एंड हैव द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ लेड शीटेड केबल। यानी लेड शीटेड केबल से ये चीप भी रहते हैं और हल्के भी रहते हैं वेट में, एंड हेंस दे प्रोवाइड चीपर सब्स्टिट्यूट टू लेड शीटेड केबल्स। तो ये जो है, जो लेड शीटेड केबल होता है उसको भी अभी आगे आगे हम पढ़ेंगे, लेड शीटेड केबल्स जो होता है उनकी बजाय ये एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है क्योंकि ये वेट में भी हल्के होते हैं और कॉस्ट में भी चीपर होते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए इसमें होता क्या है, इसका अगर आप से मान लीजिए एक दो का मैं आपको एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि अगर जैसे हम सिंगल कोर की बात करेंगे, ठीक है, तो सिंगल कोर में क्या होगा कि मान लीजिए ये तो हो गया से, ये आपने एक कंडक्टर बना दिया। ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, तो इसके ऊपर एक इनर इंसुलेशन होगा। तो मान लीजिए हमने इनर इंसुलेशन बना दिया से, सपोज कीजिए ये, हो गया इनर इंसुलेशन। ठीक, और इस ये इनर इंसुलेशन हो गया। ठीक है, और इस इनर इंसुलेशन के ऊपर भी एक आउटर शीट ऑफ टफ रबर होती है। तो अब इसके ऊपर एक आउटर शीट आप बना दीजिए ऐसे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आउटर शीट ऑफ टफ रबर, ये इस तरह से। तो इस तरह से क्या होता है कि इसमें ज्यादा सेफ्टी हो जाती है। देखिए इसमें क्या है, ये हो गया आपका क्या कंडक्टर, उसके बाद ये हो गया इनर इंसुलेशन,
और उसके बाद ये कवरेज जो आ गया, ये ग्रीन वाला जो हमने दिखाया है, ये हो गया आपका आउटर शीथ ऑफ टफ रबर, ये हो गया आउटर ऑफ टफ रबर। इस तरह कंस्ट्रक्शन होता है टीआरएस केबल का, ठीक है। ये एक तरह से जो हमने एग्जांपल बताया है, ये है सिंगल कोर सिंगल स्ट्रैंड टीआरएस वायर। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं सिंगल कोर सिंगल स्ट्रैंड टीआरएस वायर, ठीक। ऐसे ही आपका सिंगल कोर सेवन स्ट्रैंड भी आता है, ऐसे आपका ट्विन कोर सिंगल स्ट्रैंड भी आता है। तो इस तरह के केबल्स, ये टीआरएस केबल डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिकेशन में अवेलेबल है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।